गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रभात कुमार, आई एम योर मैथ टीचर. स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास थ्री मैथ्स. लेट्स स्टार्ट. बच्चों, आज हम क्लास थ्री के मैथ में चैप्टर नंबर थ्री रोमन न्यूमेरल्स के बारे में पढ़ना है. चैप्टर थ्री आपका है रोमन न्यूमेरल्स. रोमन न्यूमेरल्स के बारे में चैप्टर थ्री में हम पढ़ेंगे. तो आपको दिया हुआ है कि वी यूज रोमन यूज न्यूमेरल्स टू राइट नंबर्स. हम न्यूमेरल का उपयोग करते हैं काहे के लिए, किसके लिए? राइट नंबर, संख्या को लिखने के लिए. यूजुअली वी यूज द न्यूमेरल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बट समटाइम्स वी यूज रोमन न्यूमेरल्स. इसको हम न्यूमेरल्स की यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसको रोमन, बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी वी यूज रोमन न्यूमेरल्स. कभी कभी रोमन न्यूमेरल्स का भी यूज करते हैं, काहे के लिए? टू राइट नंबर्स को लिखने के लिए. हम कभी कभी, जैसे ये तो हिंदू अरबिक नंबर है, लेकिन उसके बाद हम रोमन न्यूमेरल्स का भी उपयोग, इस नंबर को लिखने के लिए रोमन नंबर न्यूमेरल्स का भी उपयोग करते हैं कभी कभी. तो चलिए, हम लोग रोमन नंबर है, होता क्या है रोमन न्यूमेरल्स? द रोमन यूज्ड 7 लेटर्स टू एज न्यूमेरल्स. जो रोमन के लोग थे, रोम के लोग थे, वे 7 अक्षरों को, 7 लेटर्स अक्षरों को उपयोग करते थे. लेटर्स यूज्ड एज न्यूमेरल्स, इसको कैसे न्यूमेरल्स के रूप में यूज करते थे, आर कॉल्ड रोमन न्यूमेरल्स. इसको हम रोमन न्यूमेरल्स कहते थे. एंड दिस न्यूमेरल्स एंड देयर वैल्यूज आर गिवन बिलो. और उसको वे ये न्यूमेरल्स और उनके मान, उसके मान जो है वो आपको नीचे कॉलम में दिया हुआ है. तो रोमन नंबर हुआ क्या? रोमन यूज्ड 7 लेटर एज न्यूमेरल्स आर कॉल्ड रोमन न्यूमेरल्स. रोम के लोग जो 7 अक्षरों को उपयोग करते थे न्यूमेरल्स के रूप में, उसको हम रोमन न्यूमेरल्स कहते हैं. और अब कुछ आपके नीचे एक रोमन न्यूमेरल्स दिए हुए हैं और उनका कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है. रोमन न्यूमेरल्स देखो लिखा हुआ है, रोमन न्यूमेरल्स जैसे आई वी लेटर आपका कौन कौन है? 6 तो देखिए, यहाँ को 7 लेटर्स. तो वहां आई वी एक्स एल डी सी डी एम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ही लेटर है जो रोमन इसको यूज करते थे. क्या के लिए, कैसे कि किसके रूप में? एज ए न्यूमेरल्स. रोमन इसको न्यूमेरल्स के रूप में यूज करते थे, इसको हम रोमन न्यूमेरल कहते हैं. इसका वैल्यू क्या? आई का वैल्यू 1, वी का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 10, एल का 50, सी का 100, डी का 500 और एम का 1000. ये आपको याद भी करना है, इसको याद रखना है, देखना नहीं है, इसको पढ़ना है, समझना है, उसको याद भी करना है कि इसका वैल्यू किसका क्या होता है. ठीक है, तो ये आप समझ गए कि रोमन न्यूमेरल्स हुआ क्या, कि रोमन यूज 7 लेटर एज न्यूमेरल्स आर कॉल्ड रोमन न्यूमेरल्स. रोम के लोग 7 अक्षरों को न्यूमेरल्स के रूप में यूज करते, उपयोग करते थे, इसको हम कहते हैं रोमन न्यूमेरल्स. एंड दिस न्यूमेरल्स आर देयर. और उसके आप यहाँ नीचे आप कुछ 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 लेटर को भी लिखे हुए हैं, कौन कौन लेटर जो यूज करते थे. 7 लेटर यही है, आई वी एक्स एल सी डी एम. और इसका वैल्यू क्या होता था ये भी लिखा हुआ है. ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ रूल्स है, इसको देखते हैं. ए स्मॉलर न्यूमेरल्स गेट्स एडेड टू ग्रेटर न्यूमेरल्स ऑन इट्स लेफ्ट. छोटी संख्या के लेफ्ट में ग्रेटर नंबर को ऐड करने के बाद आपको क्या मिलता है? ऐड करते हैं, देखिए छोटी संख्या है, इसके लेफ्ट में बाएं साइड में हम क्या ऐड किए? ग्रेटेस्ट नंबर को ऐड किए. 5 है या बी और आई. बी मीन्स देखिये 5, आई का मान क्या है 1, तो 5 इसको ऐड किए इसमें लेफ्ट साइड में, ग्रेटर नंबर को ऐड किए तो क्या बना? 6 बना. कभी भी ग्रेटर नंबर को इसमें आगे लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे इसकी छोटे संख्या में तो एक नंबर बनता है, समझे ना? तो इसको आप समझ गए. उसके बाद करेंगे स्मॉलर न्यूमेरल्स गेट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमेरल्स ऑन इट्स राइट. और उसको दाएं साइड से, लेफ्ट साइड से ऐड हुआ और राइट साइड से क्या होगा? सब्सट्रैक्ट होगा. राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, इसके एक नंबर है, इसे राइट साइड में क्या किए? इसको हम सब्ट्रैक्ट किए. राइट साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा? क्या होगा? ये 5 में से 1, आई वी क्या किया इसमें से, हम इसको सब्ट्रैक्ट किए तो क्या निकला? 4 हुआ. फिर आप समझ गए. उसके बाद कह रहा है कि स्मॉलर न्यूमेरल बिटवीन टू ग्रेटर न्यूमेरल्स, दो बड़े न्यूमेरल्स के बीच का स्मॉलर नंबर गेट्स सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमेरल्स ऑन इट्स राइट. उसको
अपने राइट साइड से सब्सट्रैक्ट करने के बाद ही मिलता है। जैसे 10 प्लस 5 क्या हुआ, 10 प्लस 5 14, 14 से 1 को सब्सट्रैक्ट किए तो क्या, और 10 प्लस 5 15 हुआ, सॉरी 10 प्लस 5 15, और 15 से i का मान 1 होता है, 1 को सब्सट्रैक्ट किए तो क्या हो गया 14। तो इस तरह से आप इसको रोमन नंबर के न्यूमेरल के बारे में अगर हम पढ़े इसको आप समझोगे कि ये पहले कह रहा है कि यूज न्यूमेरल्स राइट टू नंबर्स, यूजुअली यूज दी नंबर्स, जैसे इस नंबर को हम हिंदू अरबिक नंबर है इसको लिखने के लिए उपयोग कर, न्यूमेरल्स लिखने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी हम व्हाट यू यूज रोमन न्यूमेरल्स, उसको हम कभी कभी इसको रोमन न्यूमेरल्स में भी यूज करते हैं लिखने के लिए इस नंबर को। अब रोमन नंबर है क्या, द रोमन यूज सेवन लेटर्स एज न्यूमेरल्स आर कॉल्ड रोमन न्यूमेरल्स, रोम के लोग 7 अक्षरों को जो उपयोग करते थे न्यूमेरल्स के रूप में उसको हम रोमन न्यूमेरल्स कहते हैं। और आपके यहाँ नीचे कॉलम में कुछ रोमन न्यूमेरल्स दिए हुए हैं और उनके मान दिए हुए हैं, उसके वैल्यू दिए हुए हैं, इसको याद करना है और समझना भी है, और इस रूल्स को पढ़ा है, इस रूल्स को याद करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है, ठीक है। तो आज आपका क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।